हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे 82 करोड़ राशन कार्ड धारकों की अब होगी मौज। सरकार की तरफ से अब 5 नई सामग्रियां आप सभी राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि आपको पता होगा, सरकार की तरफ से आपको 5 वर्ष के लिए फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से। तो ऐसे में अब आपको चीनी, तेल, गेहूँ, दाल, साथ ही साथ बाजरा, और अब यहाँ पर बात की जाए तो चावल होगा बंद। बहुत सारे राज्यों में गेहूं प्रोवाइड कराया जाता है लेकिन चावल नहीं मिलता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे चावल आपको मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कौन से प्रदेश में चावल नहीं मिलता है, चावल की जगह क्या मिलता है, ये सामग्री हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं। वहीं आपने अगर EKYC कंप्लीट नहीं किया है तो इसके रिलेटेड क्या यहाँ पे न्यूज है वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप अपना यूनिट कैसे ऐड कराएं, आपके घर परिवार में 5 से 6 लोग हैं और किसी का यूनिट ऐड नहीं है, किसी का राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है, तो आप कैसे अपना राशन कार्ड में नाम भी दर्ज करा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नई महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश भर के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस नई योजना के तहत सभी राज्यों में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन आपूर्ति की जाएगी। यह कदम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना माध्यम से आपको अब 5 वर्षों के लिए जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी 2029 तक फ्री में आपको राशन उपलब्ध करेगी सरकार। तो ऐसे में गरीब परिवार जो बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, या राजस्थान के हैं, या आप पंजाब के हैं, किसी भी प्रदेश के हैं और किसी दूसरे प्रदेश में काम करने के सिलसिले में आप जाते हैं, तो ऐसे में वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से आपको कहीं पे भी आप राशन ले सकते हैं। पहला ये नियम नहीं था कि अगर आपका राशन कार्ड यूपी का है तो आप हरियाणा में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप राशन नहीं ले सकते, या आप बिहार के हैं तो आप गुजरात में रह रहे हैं तो वहाँ आप राशन नहीं ले पाते थे। लेकिन अब नियम बदल चुका है, कोई भी राशन कार्ड धारक किसी भारत के किसी भी प्रदेश में जाकर अपना राशन ले सकता है। तो यहाँ पर आपको बड़ी खबर ये है कि अब राशन कार्ड धारकों को यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो गेहूं और चावल ही मिलता था, लेकिन अब नई योजना के तहत चावल की जगह 5 नई अलग अलग चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें गेहूँ, चावल, दाल, खाद्य तेल जैसी सामग्री भी शामिल की गई है। यह बदलाव लोगों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए किया गया है। जैसा कि सरकार अभी पीछे कुछ महीने से आपको बाजरा जो कि आपको वितरित करती थी, यानी श्री अन्न योजना के माध्यम से मोटे अनाज को शामिल किया गया था, क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर्स और मिनरल्स, विटामिन ज़्यादा होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से राशन के तौर पर आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से यह नई योजना का लाभ हर राशन कार्डधारक तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो राजस्थान जैसे कई राज्यों में पहले से ही राशन कार्डधारकों को गेहूं के साथ साथ चावल, चीनी, दाल, तेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो अब इसी तरह की व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की जाएगी। जैसा कि हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा में अभी खाद्य विभाग की तरफ से गेहूं और आपको चीनी और तेल 2 किलो प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप अगर BPL श्रेणी यानी गरीब परिवार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी पीला कार्ड अगर आपका है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से 1 यूनिट पे आपको 5 किलो राशन गेहूं के तौर पर दी जा रही है, और यहाँ पर 1 किलो चीनी, और यहाँ पर 2 किलो यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, सरसों का तेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 यूनिट पे अगर आपका यहाँ पे 5 किलो है तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 लोगों की अगर यूनिट है तो 60 किलो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब वहीं अगर 5 लोगों की यूनिट है तो आपको 25 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो गरीब परिवारों की तरफ से ये राशन उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को। तो अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए है।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगर बात करते हैं तो गेहूं, चावल, साथ ही साथ आपको बाजरा प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन बढ़ती गर्मी को चलते हुए यहां पर मोटे अनाज के तौर पर बाजरा बंद कर दिया गया है। अब बाजरा का वितरण आपको अक्टूबर नवंबर में फिर से किया जाएगा। हरियाणा की मैंने बात की है तो यहाँ पर 5 किलो पर यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 2 किलो सरसों का तेल और 1 किलो चीनी BPL राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जा रही है। यानी अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो यह लाभ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं पर बहुत सारे राशन कार्ड धारक हैं जिनके राशन के तौर पर यूनिट का नाम, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक परिवार में 5 लोग हैं जिसमें राशन में कार्ड में आपका 4 लोगों का नाम है, 1 लोगों का नाम नहीं है, तो ऐसे में अपना राशन कार्ड में अपना यूनिट करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। साथ ही साथ EKYC अपने राशन की दुकान पर आप उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से EKYC पर रोक लगा दी गई है, यानी बहुत सारे राशन कार्ड धारकों को दिक्कत हो रही थी। दूसरा, राशन वितरण में भी समस्या हो रही थी, जिसके चलते यहां पर अभी KYC कंप्लीट करने पर रोक लगी हुई है। जैसे ही यहां पर शुरू होता है फिर से आप अपना EKYC कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप राशन ले लेते हैं, अंगूठा फिंगर लगा देते हैं, तो उस दौरान आपका EKYC कंप्लीट हो जाता है, तो आपको यहां पर इस तरह से सहूलियत मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।